हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नारायण एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल इन ए बॉक्स मेल सर्वर के बारे में एंड उसको उबंटू के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। यह सबसे इजी मेल सर्वर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कमांड वगैरह यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। कुछ ही कमांड का आप यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ये उबंटू है अपन इंस्टॉल करेंगे, मैं उबंटू 18 पे इंस्टॉल करूँगा, आप उबंटू 20 पे भी इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। एंड जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो 2GB रैम की है, तो ये आप रिक्वायरमेंट यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको जहाँ से 425 ओपन VPS मिले उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है एंड यहाँ पे इनके एफिलेट लिंक भी है, तो इसके थ्रू अगर आप जाओगे तो मेरे को कुछ थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। ओके, एंड उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि इससे पहले मैंने आई रेड मेल सर्वर के बारे में बताया था एंड उससे पहले मेलकाउ मेल सर्वर के बारे में एंड जिमरा सारे मैं मेल सर्वर यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, तो उसके भी वीडियोस आप देख सकते हो। एंड इन फ्यूचर और भी बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड आएंगे वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड जो इस वीडियो में अपन डोमेन यूज़ लेने वाले हैं वो ये है एंड जो VPS अपन यूज़ लेंगे वो DigitalOcean का है। मैंने यहाँ पे ड्रॉपलेट ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, यहाँ पे देखो Ubuntu 18 एंड जो इसका IP एंड पासवर्ड है मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। ये देखो यहाँ पे इसका हो गया IP रहा एंड जो यूज़र नेम है बाय डिफ़ॉल्ट इसका रूट होता है, पासवर्ड ये है। ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को पुट्टी ओपन करना है एंड जो अपना VPS है उसको ओपन कर लेते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे अपने IP डाटा डालते हैं एंड क्लिक ओपन, पासवर्ड करते हैं कॉपी सिंपली, लॉगिन एज अ रूट, पासवर्ड किया पेस्ट एंड ओपन। तो यहाँ पे जो अपन रूट में लॉगिन हो चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपकी IP है, जो आपका यहाँ पे नेम सर्वर आपको अपडेट करने होंगे। नेम सर्वर अपडेट करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो DKIM वगैरह या SPF वगैरह आपको डालने नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है तो आप एज इट इज़ ऐसा कर लेना, ns1.box. जो भी आपका डोमेन है एंड ऐसे ही ns2.box. जैसे आपका ये डोमेन है तो ऐसे आपको नेम सर्वर अपडेट करने एंड ग्लू रिकॉर्ड, ये फ्री नोन में तो ऐसा आता है। अगर आपके पास जैसे GoDaddy है तो GoDaddy में वहाँ पे होस्ट नेम आता है, तो वहाँ पे आपको ns1.box. या आपकी उसको IP से, दोनों को IP से पॉइंट करवाना है एंड नेम चिप में भी सिंपल है, तो ये आप इनसे आप यहाँ पे ग्लू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, मतलब जो ये नेम सर्वर है उसको आप इस IP से पॉइंट करवा सकते हो, बिकॉज ये IP है अपने VPS की IP। ओके, ये देखो, तो इसको पॉइंट करवाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे रखा है, सेट द नेम सर्वर पे में ये कमांड है, इसको करना है कॉपी। ओके, एंड यहाँ पे करना है पेस्ट एंड ये जो सर्वर ये जो नेम है डोमेन का वो आप यहाँ पे चेंज करना न भूले, अपना डोमेन यहाँ पे रिप्लेस करके ये आप ये कमांड रन करें। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ अपनी डोमेन को कॉपी पेस्ट किया एंड क्लिक इंटर। उसके बाद जो सेकंड कमांड है वो मैं यहाँ पे करता हूँ रन, कॉपी किया एंड किया पेस्ट। बहुत ही सिंपल है, कुछ ही कमांड आपको इंस्टॉल करने होंगे एंड आपका जो मेल सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेल इन बुक्स ये इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ये वाली कमांड आपको करनी है कॉपी। सबसे पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं एंड उसके बाद अपन जो ये नेक्स्ट वाली कमांड है ये अपन यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुका है, अभी अपन जो मेल इनबॉक्स की जो कमांड है इंस्टॉल करने वाली वो यहाँ पे करते हैं रन। ओके, तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट आपको चीज़ें करनी है एंड सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर स्क्रीन शॉट के थ्रू यहाँ पर दिखा रखी हैं। ओके, इस ये वाली कमांड रन करने के बाद ऐसा कुछ आपके सामने आएगा, वहाँ पर आपको अपना जैसे @ से पहले आपको इन्फो डालना है, एडमिन डालना है, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आपके सामने क्या आएगा वो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट के थ्रू यहाँ पे समझा रखा है, तो वो आप चीज़ें कर सकते हो
अभी जो अपना मेल इनबॉक्स मेल सर्वर है वो इंस्टॉल हो रहा है, एंड इसके बाद ये अपने से कुछ ये ईमेल वगैरह पूछेगा तो वो अपने को यहाँ पे फिल करने होंगे। तो यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है, अपने को कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट इंटर करना है। एंड इसके बाद ये यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है, तो जैसे यहाँ पे मी है तो मैं इसको यहाँ से कट करके इसको कर देता हूँ इन्फो, ओके INFO इन्फो एट द रेट अपनी वेबसाइट का डोमेन का नाम, ओके क्लिक इंटर करना है। एंड उसके बाद आपको होस्ट नेम पूछेगा तो वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है बिकॉज अपनी ये वाली कमांड पहले ही डाल दी थी, ओके तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट के थ्रू समझा रखी हैं। उसके बाद क्लिक करना इंटर, ओके उसके बाद ये इंस्टॉलेशन होगा। फिर ये हमसे टाइम जोन के बारे में पूछ रहा है, तो अपना है एशिया, तो मैं यहाँ पे ऊपर चला जाता हूँ एंड एशिया पे जाके आपको करना है इंटर। एंड उसके बाद यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लेते हैं कोलकाता, कोलकाता बिकॉज टाइम जोन अपना कोलकाता का है, ये रहा कोलकाता, यहाँ पे जाके इंटर मारना है। तो ये अपना टाइम जोन भी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन के बाद में ये यहाँ पे ये पासवर्ड पूछेगा जो आपने ये ईमेल लगाया है, या जैसे ये वाला ईमेल लगाया है इसके लिए आप पासवर्ड कौन सा डालना चाहते हो, तो वो पासवर्ड यहाँ पे पूछेगा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखे हैं कि इस स्टेप के बाद आपको कौन सा ये क्या पूछेगा। तो ये देखो टाइम जोन पूछेगा, वो आपको मैंने वीडियो में दिखा रखा है कि कैसे आपको वो चीज़ें करनी है, ओके। एंड उसके बाद ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर ये लास्ट में आपसे ये आपका पासवर्ड मांगेगा जो है ना ये इन्फो एट द रेट वेबसाइट डोमेन का नाम, इस मेल के लिए ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो अपन यही वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, दोबारा से पेस्ट करना है एंड क्लिक इंटर। तो ये इस मेल आईडी के लिए है, उसको अपन जब राउंड क्यूब में लॉगिन करेंगे तो उसके लिए अपने को चाहिए होगा, ओके। तो ये अभी इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो गया है कंप्लीट, ये देखो, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके जो डैशबोर्ड है उसमें लॉगिन होना है, मेलिंग बॉक्स में मेल सर्वर का जो भी डैशबोर्ड है वो यहाँ पे, एक तो जो आपका होस्ट नेम स्लेस एडमिन आपको करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट टैब ओपन कर लेता हूँ एंड अपना डोमेन यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे इसको करता हूँ लॉगिन, ठीक है। जब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये यहाँ पे एडवांस में जाना है, प्रोसीड टू करना है एंड यहाँ पे लॉगिन करना है, ओके। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया एंड अपना है इन्फो एट द रेट डोमेन का नाम एंड साइन इन। तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम स्टेटस दिखाएगा, यहाँ पे जैसे कि आपका DNS वगैरह कॉन्फ़िगर हो गया या नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिस्टम में यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे जैसे आपका नेम सर्वर कंप्लीट अपडेट हो गया तब ये यहाँ पे चेक आ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे चेक नहीं आएगा। अगर आपने रिवर्स DNS यहाँ पे नहीं किया है तो यहाँ पे अनचेक आएगा। रिवर्स DNS DigitalOcean में क्या होता है कि आपको ये वाला ना होस्ट नेम एज इसका जो ये ड्रॉपलेट जो अपने क्रिएट किया ना उसका नाम है ना वही सेम आपका जो आपका होस्ट नेम है उसी से होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जब आप नेटवर्किंग में जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक PTR रिकॉर्ड होता है, PTR रिकॉर्ड यहाँ पे ये नेम जो RDNS है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कैच कर लेता है जो ड्रॉपलेट का नाम है ना, तो ड्रॉपलेट का नाम ही है जो आपका होस्ट नेम है वही रखना है। तो यहाँ से ये RDNS हो जाएगा अपना ऑटोमेटिकली, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट के थ्रू समझा रखी हैं तो वो आप ज़रूर देख लेना। यहाँ पे आना है सिस्टम में एंड TLS सर्टिफिकेट में आना है, तो यहाँ पे सिस्टम TLS सर्टिफिकेट एंड यहाँ पे प्रोविज़न पे क्लिक करना है एंड ये क्लिक करोगे तो आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, ओके।
इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे समझा रखी है उसके थ्रू। उसके बाद हाँ यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है। एंड उसके बाद अगर आपको यूज़र क्रिएट करना है तो आप यहाँ से मेल इसमें जाके यूज़र्स पे जाके एक नया यूज़र भी क्रिएट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, विकास एट द रेट डोमेन का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, पासवर्ड यही रखता हूँ एंड ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो मेल यूज़र एडिड, कुछ यूज़र ऑलरेडी ऐड हैं। आप यहाँ पे जाओगे ना अलायंस, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो कुछ एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, होस्ट, मास्टर, पोस्ट मास्टर, यहाँ पे ये सारे जो ईमेल्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। ओके, उसके बाद जैसे आप इंस्ट्रक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे जो आपकी एसएमटीपी की डिटेल वगैरह है वो यहाँ पे आपको दी हुई मिलेगी। ओके, तो अभी अपने जीमास का जो मेल टेस्ट है वो यहाँ पे ओपन करेंगे एंड वहाँ पे जो अपना एसएमटीपी है वो टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एसएमटीपी टेस्टर पर आ जाते हैं एंड मेल टेस्टर यहाँ से अपन ओपन कर लेते हैं, बिकॉज उस पर अपने को अपना स्कोर चेक करना है कितना अपना स्कोर है। जो मेल सर्वर का होस्ट नेम है वो ये है, तो ये यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, पोर्ट 587 है। ओके, ये देखो एंड यहाँ से सिक्योरिटी TLS सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जो यूज़र है, यूज़र अपने पास दो वो हैं, इन्फो वाला यहाँ पे लगा देते हैं इन्फो, या जो मैंने अभी क्रिएट किया है विकास वो वाला भी आप लगा सक हम लगा सकते हैं। ओके, फ्रॉम ईमेल में भी यही लगा देते हैं एंड पासवर्ड अपना ये वाला है, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, यहाँ पे मेल टेस्टर की आईडी यहाँ पे लगा देते हैं एंड टेस्ट इट पे क्लिक करते हैं। तो अपन जैसे ही टेस्ट इट पे क्लिक करेंगे इसने यहाँ से देखो मेल सेंड कर दिया है अभी, देन चेक योर स्कोर पे अपन क्लिक करते हैं। अभी देखते हैं कि अपना जो स्कोर वगैरह कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब अपन चेक करते हैं तो अपनी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ऑलरेडी अपन ने कर दी है। तो यहाँ पे अपन जो स्कोर हैं वो चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो अपन ने 10 to 10 स्कोर यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो जो फ्रॉम ईमेल है वो ये है एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ये दिखा देगा, SPF वगैरह, DKIM वगैरह, ये आपको वैसे मैनुअली कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली यहाँ ये क्रिएट कर देता है। अगर ये आपको ये चेक करना है तो यहाँ पे सिस्टम पे जाना है, एक्सटर्नल DNS पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे वो सारे MX रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, जैसे SPF, DMRC, इसने क्या डाल रखे हैं वो सारे आपको दिखा देगा। लेकिन ये आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे करके देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट के थ्रू समझा रखी हैं कि आपको कहाँ पे जाके क्या करना है। जैसे आपको यहाँ पे अगर वो राउंड क्यूब ओपन करना है तो ये जैसे यहाँ पे admin/admin लगाया हुआ ना, तो यहाँ पे आप लगा दो मेल। जैसे ही आप मेल लगाओगे तो यहाँ पे राउंड क्यूब ओपन हो जाएगा एंड उसमें आप ये वाली मेल IDs ओपन कर सकते हो। तो यूज़र नेम ये लगाया एंड पासवर्ड हो गया ये, लॉगिन पे क्लिक करते हैं एंड ये जो अपना मेल आईडी है वो राउंड ग्रुप के अंदर लॉगिन हो जाएगा। तो आप इसके थ्रू भी सेंड कर सकते हो। अपने यहाँ पे SMTP वगैरह भी टेस्ट कर लिया है, यही SMTP की डिटेल आप किसी भी सॉफ्टवेयर या मेलविज वगैरह में डाल के भी वहाँ से भी आप बल्क में मेलिंग कर सकते हो। ओके, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा मैंने यहाँ पे समझा रखी है। तो ये आप कंप्लीट देखें एंड इसका वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज इससे रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप कंप्लीट देखें। एंड पहले भी मैंने बहुत सारे यहाँ पे मेल सर्वर ऑलरेडी बता रखे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें एंड जो भी इसकी कमांड वगैरह है वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सर्विसेज में जाके अगर आपको किसी कोई भी मेल सर्वर मेरे से बनवाना है या आपको कोई पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए कि मेरे को ये वाला मेल सर्वर
सीखना है तो वो सारी सर्विसेज भी मैं यहाँ पे देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो।